मोदी का तो मुमकिन है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। पहले एक बार आप ये सुनिए, मोदी का तो मुमकिन है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे ये शख्स पीएम मोदी की तारीफ में ये कहता दिख रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ताजुब की बात यह है कि ये शख्स भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का है। दरअसल पाकिस्तानी मुसलमानों के कई ऐसे समुदाय हैं जो मोदी की तारीफ करते रहते हैं। हाल ही में NID फाउंडेशन और नामधारी सिख सोसाइटी की ओर से 23 अप्रैल को विश्व सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों, विद्वानों और प्रचारकों ने भाग लिया। वहीं पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के पाकिस्तानी लोग भी आए, उनमें से काफी लोग अहमदिया मुस्लिम समुदाय के थे। इस दौरान कई पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की तारीफ करते देखा गया। पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय मुसलमानों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा सभी समुदायों का सम्मान करना हमें भाग गया है, उनमें सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अहमदिया मुस्लिम समुदाय के सदस्य डॉक्टर तारिक भट्ट ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मेरे बहुत सारे मित्र भारतीय हैं और मैंने उन्हें आपस में मिलकर कई एक्टिविटीज करते देखा है। मैं खुद उनके प्रोग्राम्स में गया हूं। मुझे लगता है कि अब भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच सद्भाव बढ़ रहा है, उनमें आपसी पहुंच बढ़ रही है। हम मतभेदों की तुलना में अधिक समानताएं लाना चाहते हैं। इस आयोजन को एक बड़ी पहल बताते हुए और हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक मंच पर लाने के लिए पाकिस्तानियों ने अपनी सोच दिखाई। हालांकि पाकिस्तान की जनता की क्या सोच है, इससे भारत पहले से ही वाकिफ है। दिक्कत है वहां की सरकार, जो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगलती ही रहती है। इससे पहले भी जब भारत में एप्पल स्टोर खुला था, उस वक्त भी वहां की जनता ने भारत की तारीफ कर अपने ही देश को लताड़ा था। लोगों ने तो सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स के जरिए पाकिस्तान को उसकी असली जगह तक दिखा दी थी, और अब ऑस्ट्रेलिया में वहीं के लोग पीएम मोदी के गुणगान गाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।